भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी लोकसभा क्षेत्र होशियारपुर से भाजपा के प्रत्याशी मैडम अनीता सोम प्रकाश के चुनाव प्रचार हेतु विशेष तौर पर होशियारपुर पहुंचे और भाजपा वर्करों के भारी इकट्ठ को संबोधित किया। गरीब कल्याण मेरी सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता है और इसमें गुरु रविदास जी की बहुत बड़ी प्रेरणा है। गुरु रविदास जी कहते थे, ऐसा चाहूं राज मैं जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास है प्रसन्न। बीते 10 वर्षों में हमने गरीब से गरीब को मुफ्त अनाज और मुफ्त इलाज की सुविधा दी है। आज किसी भी गरीब दलित वंचित मां की संतान को भूखे पेट नहीं सोना पड़ता। आज गरीब महिला को अपनी बीमारी छिपाने की मजबूरी नहीं है। अब उसके पास राशन कार्ड है, आयुष्मान कार्ड है। साथियों, गुरु रविदास जी ऐसा समाज चाहते थे जहां जाति के आधार पर समाज में कोई भेद न हो। उन्होंने कहा था, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पास रैदास मनुष्य ना जुड़ सके, जब तक जाति न जात। आज मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव सभी को मिल रहा है। सभी को पक्का घर मिला, बिना भेदभाव सभी को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए मिला, बिना भेदभाव सभी को शौचालय मिला, बिना भेदभाव सभी को बिजली कनेक्शन मिला, बिना भेदभाव। ऐसी योजनाओं ने गरीब और दलित के लिए स्वाभिमान से जीना संभव किया है। यही तो गुरु रविदास जी की सीख है, यही सबका साथ सबका विकास हमारा सुशासन का मंत्र है। रविदास जी ने यह भी कहा है, 100 बरस लौ जगत मही, जीवत रही करू कामों के लिए केंद्रित किए गए हैं। अगले 5 साल में कौन से बड़े निर्णय लेने हैं, इसकी भी रूपरेखा खींची जा चुकी है। अगले 25 साल के विजन पर भी हमारी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। साथियों, ये भाजपा सरकार का सौभाग्य है कि उसे गुरु रविदास से जुड़ी विरासत को सम्मान देने का अवसर मिला है। काशी में उनके जन्म स्थान का विकास किया जा रहा है। काशी में गुरु रविदास जी के जन्म स्थान पर सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। वहां लंगर हॉल बना है, म्यूजियम बना है, पार्क बना है,
मंदिर के आसपास सड़कें बनी हैं। कोशिश यही है कि आप लोग जब यहां से काशी आए तो आपको वहां परेशानी न हो। और इतना ही नहीं, मैं काशी का सांसद हूं, इसलिए जब भी आप काशी आए ना तो आप मेरे मेहमान हैं। और मैं मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखता हूं। साथियों, काशी में तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं। जो लोग वहां जाते आते रहते हैं वो देखते होंगे, हर बार जाएंगे कुछ न कुछ गुरु रविदास जी के चरणों में हमने समर्पित किया है। लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश में गुरु रविदास जी के विशाल स्मारक का शिलान्यास का अवसर भी मुझे ही मिला था। वहां मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार है और वो कार्यक्रम ऐसा हुआ, हजारों गांवों की मिट्टी और देश की सैकड़ों नदियों के जल एकत्रित करके गुरु रविदास जी का भव्य स्मारक मंदिर वहां बनाया जा रहा है। भोपाल में ग्लोबल स्किल पार्क का नाम भी गुरु रविदास जी के नाम पर रखा गया है। दिल्ली में भी तुगलकाबाद में गुरु रविदास जी महाराज का जो पवित्र स्थान है उसे और दिव्य बनाना भी ये हमारा संकल्प है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट से जमीन की विशेष मंजूरी भी ले ली गई है। और आज जब मैं होशियारपुर आया हूं तो अपने मन की एक और बात आपको बताना चाहता हूं। आपको पता है कि हमने अयोध्या में प्रभु राम का मंदिर तो बनाया। जय श्री राम। 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना। और आपको खुशी होगी, ये अयोध्या में प्रभु राम जन्मस्थान का पहला लड़ाई अगर किसी ने लड़ी थी तो मेरे सिख भाई बहनों ने लड़ी थी। और तब से लड़ाई चली और आज राम मंदिर बना है। राम मंदिर तो बना, लेकिन यात्रियों की सुविधा के लिए हमने अयोध्या में एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा बनाया। लेकिन हवाई अड्डे का नाम हमने महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा है। यानी राम जी के पास जाना है, रामलला के पास जाना है, पहले वाल्मीकि जी के पास जाना होता है। इसी प्रकार मेरी इच्छा है कि आदमपुर एयरपोर्ट का नाम भी गुरु रविदास जी के नाम पर रखा जाए। सरकार बनने के बाद इस दिशा में तेजी से काम किया जाएगा। भाइयों और बहनों, भाजपा विरासत भी विकास भी इस मंत्र पर चल रही है। आपने देखा है, जब अफगानिस्तान में संकट आया, वहां पर हमारे जो सिख भाई बहन रहते थे
वहां जो हमारा गुरुद्वारा था बहुत खतरे पैदा हो गए, तो हम गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूपों को पूरे अदब के साथ माथे पर रख करके भारत लाए। इतना ही नहीं, हमने साहेबजादों के बलिदान को श्रद्धा पूर्वक नमन करते हुए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाना तय किया। और ये सिर्फ एक दिवस नहीं है, इतना बड़ा बलिदान, इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी प्रतिबद्धता केरल के बच्चे को भी पता होनी चाहिए, आसाम के बच्चे को भी पता होना चाहिए, तमिलनाडु के बच्चे को पता होना चाहिए, बंगाल के बच्चे को भी पता होना चाहिए। और इसलिए हमने वीर बाल दिवस के द्वारा हिंदुस्तान की भावी पीढ़ी को प्रेरणा देने के लिए वीर बाल दिवस की परंपरा शुरू की है। हमने हरमिंदर साहब के लंगर को टैक्स से मुक्त किया, विदेशी भक्त भी सेवा के लिए दान दे सके, इसके लिए हमने नियमों में छूट भी दी है। साथियों, विकसित होते भारत के सामने कुछ चुनौतियां भी है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन की स्वार्थ की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति ने देश का बहुत नुकसान किया है। इनका वोट बैंक, जो वोट बैंक के प्रति उनका प्यार था कि बंटवारे के समय के हमारे करतारपुर साहिब पर भारत का अधिकार नहीं जता पाए, यही लोग हैं जो अपने वोट बैंक के लिए लगातार राम मंदिर का विरोध करते रहे। अपनी तुष्टीकरण की इसी राजनीति की वजह से इंडी गठबंधन सीएए का भी विरोध कर रहा है। साथियों, आजकल देश के लोग इंडी गठबंधन वालों से संविधान संविधान की रट सुन रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने इमरजेंसी में संविधान का गला गौंड दिया था। जब 84 के दंगों में सिखों के गले में टायर बांधकर जलाया जा रहा था, तो इन्हें संविधान की नहीं सूझी। साथियों, मोदी ने एक संकल्प लिया है कि वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण किसी को भी छीनने नहीं देगा। अपनी सरकार के 10 साल में मैंने लगातार एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण की रक्षा की है। ये कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले मेरी इस कोशिश से भी भड़के हुए हैं। दरअसल आरक्षण को लेकर इनके खुद के इरादे बहुत खतरनाक है। इनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीनने का रहा है। सरकारी नौकरी में धर्म के आधार पर आरक्षण हो, स्पोर्ट्स में, सरकारी टेंडर में धर्म के आधार पर आरक्षण हो, यूनिवर्सिटी के दाखिले में धर्म के आधार पर आरक्षण हो, ये संविधान की भावना का, बाबा साहब आम्बेडकर की भावना का अपमान कर रहे हैं। ये दलितों
और पिछड़ों का आरक्षण छीनकर उसे सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर देश को बांटने की एक और बड़ी गहरी साजिश है। 2024 के इस चुनाव अभियान में मोदी ने इनकी इस सबसे बड़ी साजिश से पर्दा उठा दिया है, उनको बेनकाब कर दिया है और इसलिए बौखलाए हुए हैं और लगातार